वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आपको चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट वाटर इन ए सर्कुलर टैंक, यानी हम पानी को एक सर्कुलर टैंक में कैसे कैलकुलेट करें। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक टैंक है जिसकी हाइट 6 फीट है और उसका जो डायमीटर है, सर्कुलर टैंक है तो उसका जो डायमीटर है वो हमारा है 4 फीट। जैसा कि हम ऊपर फिगर में देख सकते हैं, ये उसकी शक्ल है, 4 फीट डायमीटर है और 6 फीट हाइट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरी फिग में कि अभी हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, जो हमारा वॉल्यूम है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई तो हमारा है 3.143 और आर हमारा है 2 फीट और एच जो है वो हाइट है, वो 6 फीट है। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.143 मल्टीपल 2 यानी रेडियस मल्टीपल 2 यानी आर स्क्वायर है उधर मल्टीपल 6, निकलता है 75.432 क्यूबिक फीट। लेकिन जो हमारा आंसर निकला वो क्यूबिक फीट में है, लेकिन हमें पता है कि जो वाटर है उसका जो यूनिट है वो लीटर है, और ये हमें पता होना चाहिए जो सिविल इंजीनियर है कि एक क्यूबिक फीट में हमारा 28.34 लीटर्स ऑफ वाटर आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए सर्कुलर टैंक इन लीटर्स निकलेगा 75.432 मल्टीपल 28.34, वो निकलता है हमारा 2137.5 लीटर्स। तो इस तरह हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए सर्कुलर टैंक कैलकुलेट कर सकते हैं।